पहले चरण में कांग्रेस तृणमूल जैसे दल पस्त, अब दूसरे चरण में होंगे ध्वस्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल को लूटने का मौका नहीं छोड़ती, केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोकती है ममता सरकार। पीएम मोदी ने कहा, पहले लेफ्ट फिर टीएमसी ने बंगाल की महानता को पहुंचाई चोट। टीएमसी राज में बंगाल में हो रहे करोड़ों के स्कैम। बंगाल में बिना कमीशन नहीं होती कोई व्यवस्था, ना ही होता कोई काम। एमपी के भोपाल में बोले गृहमंत्री अमित शाह, सुरक्षित और समृद्ध देश, गरीब कल्याण के लिए करें वोट। देश भर में मोदी को फिर पीएम बनाने को लेकर उत्साह। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना, ये इंडिया गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा कहा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक, कांग्रेस देश की राजनीति को तालिबानी बनाने की कोशिश में है, ये कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद ने कहा, पीएम झूठ बोल रहे हैं, कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों से मिलने वाली मांग की खारिज, बैलेट पेपर से वोटिंग मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव दिया, सिंबल लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सील करें, 45 दिनों तक वीवीपैट पर्चियां रहेंगी सुरक्षित। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे लेकिन वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान जारी, 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं। करीब 16 करोड़ वोटर्स दूसरे दौर में आज मतदान के लिए निकले हैं। 34,80,000 नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 1,202 उम्मीदवार मैदान में हैं, 102 महिला कैंडिडेट, जबकि 2 थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स भी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। राहुल गांधी, ओम बिरला, भूपेश बघेल, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर और पप्पू यादव की किस्मत का आज फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 1,67,000 पोलिंग स्टेशन्स पर हो रही है वोटिंग, 1,00,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन्स पर वेबकास्ट। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान, जबकि कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 सीटों के लिए वोटिंग। महाराष्ट्र और यूपी की 8-8 सीटों पर आज वोटिंग, मध्य प्रदेश की 6, असम बिहार की 5-5 के लिए मतदान। छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर चुनाव, मणिपुर त्रिपुरा जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोटिंग। पीएम मोदी ने वोटिंग डे पर की पोस्ट, लोगों से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की, लिखा, भारी मतदान से मिलेगी लोकतंत्र को मजबूती। राहुल गांधी ने लोगों से वोट करने की अपील की, कहा, आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट के लिए वो पहुंचे, बेटे वैभव गहलोत ने भी किया मतदान, जालौर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं वैभव गहलोत। वोटिंग के बाद पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर अशोक गहलोत ने कहा, किसी को यकीन नहीं था कि पीएम ऐसा बयान देंगे, ऐसे बयानों से पीएम को की विश्वसनीयता को लगा धक्का। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया वोट, वसुंधरा ने परिवार के सदस्यों के साथ वोटिंग की। कोटा के शक्तिनगर में पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने वोट किया, कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल से हो रही है टक्कर। जोधपुर से बीजेपी कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट कास्ट किया, जोधपुर के बूथ संख्या 81-83 पर मतदान। जोधपुर में वोटिंग को लेकर महिला वोटर्स में भारी उत्साह, बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर वोट देने पहुंच रही महिलाएं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने वोट किया, अपनी मां के साथ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की। यूपी की गाजियाबाद सीट पर वोटिंग जारी, बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने वोट कास्ट किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पोलिंग बूथ पर वोट डाल रहे लोग, ज्यादातर वोटर बोले, देश के विकास के लिए कर रहे हैं वोट। मेरठ में भी वोटिंग जारी, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने तिलक लगाया, जीत की शुभकामनाएं दी। यूपी के मथुरा में भी वोटिंग जारी, बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह ने वोट कास्ट किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कई जगह जाकर वोटिंग का जायजा लिया, कहा, बीजेपी के पक्ष में लोगों का भारी उत्साह, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर का हेमा मालिनी पर आरोप, हेमा मालिनी ने 10 साल मथुरा को ठगा, तीसरी बार फिर धोखा देने की कोशिश में मालिनी। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने मतदान किया, जनता से भी बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। यूपी के अमरोहा में पोलिंग में के लिए लंबी कतार लगी, बड़ी संख्या में वोट डालने मुस्लिम महिलाएं पहुंची, ज्यादातर महिलाओं ने इंडी गठबंधन को वोट देने की बात कही। यूपी की बुलंदशहर सीट पर मतदान जारी, वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
बुलंदशहर से बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह ने वोट कास्ट किया। पोलिंग बूथ पर वोटर्स के साथ लाइन में वोट किया। बिहार के किशनगंज में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स मतदान केंद्रों के बाहर वोट करते नजर आए। ओवैसी और राहुल गांधी की तारीफ कई वोटर्स ने की। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने वोट कास्ट किया। एनडीए के संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से है पप्पू का मुकाबला। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने लोगों से वोट डालने की अपील की। उनकी बेटी और एक्ट्रेस नेहा शर्मा भी वोट करने की अपील करती नजर आई। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा ने वोट कास्ट किया। अमरावती से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नवनीत। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी वोट कास्ट किया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं चौहान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोट के बावजूद वोट डालने पहुंची दो महिलाएं। कहा, दर्द के बावजूद मोदी के लिए करने आई हैं वोट। मोदी ने राम मंदिर बनाया, लगातार दे रहे हैं राशन। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट पर वोट डालने पहुंचा दुल्हा। शादी की रस्मों से पहले वदरपुरा इलाके में पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। केरल के कुन्नूर में सीएमपी विजयनन ने वोट कास्ट किया। आरसी अमला एलपी स्कूल के पोलिंग बूथ पर मतदान। केरल के आलोपूजा में केसी वेणुगोपाल ने वोट कास्ट किया। आलोपूजा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं केसी वेणुगोपाल। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने भी मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर से है टक्कर। तिरुवनंतपुरम में पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए के एंटनी ने वोट कास्ट किया। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। केरल के कोझिकोड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने वोट कास्ट किया। वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं सुरेंद्रन। केरल के त्रिशूर में एक्टर और बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी ने वोट कास्ट किया। कहा, राष्ट्र के विकास आंदोलन में योगदान देगा केरल। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने परिवार के साथ वोट डाला। अटिंगल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुरलीधरन। बंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने वोट कास्ट किया। बीएस पोलिंग बूथ पर अपने पिता के साथ वोट कास्ट किया। कर्नाटक के चामराजनगर में सीएम सिद्धारमैया ने वोट डाला। लोगों से बड़ी संख्या में वोट की अपील की। कर्नाटक के हसन में पूर्व पीएम एचडी देवा गौड़ा ने वोट डाला। जीडीएस सुप्रीमो ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने वोट कास्ट किया। मंड्या लोकसभा सीट से जेडीएस के प्रत्याशी हैं कुमारस्वामी। बंगलुरु साउथ सीट पर तेजस्वी सूर्या ने वोट कास्ट किया। कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के साथ तेजस्वी सूर्या का सीधा मुकाबला। बंगलुरु में बोले बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस पार्टी में विरासत टैक्स पर विरोधाभास। कांग्रेस में सोनिया राहुल को क्यों मिली राजनीतिक विरासत। कर्नाटक की 12 सीटों पर लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बेटा बेटी चुनाव। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने भी बंगलुरु में वोट कास्ट किया। कहा, हर किसी को मतदान करना चाहिए। बंगलुरु में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। अभिनेता प्रकाश राज ने वोट कास्ट किया। बंगलुरु में केबीएस पोलिंग स्टेशन पहुंचे इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, दोनों ने वोट कास्ट किया। बंगलुरु में वोटिंग के लिए लोगों में बड़ा उत्साह। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने भी वोट कास्ट किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान किया। वरट्टीयुरकावु लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला। मतदान के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक, मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत करें। बंगाल की बालूरघाट से बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजुमदार ने वोट कास्ट किया। कहा, चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव, देश के लिए सभी लोग करें मतदान। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने दार्जिलिंग में वोट कास्ट किया। आम लोगों की तरह लाइन में लगकर वोटिंग की। एमपी के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने वोट कास्ट किया। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में वोट कास्ट किया। कहा, भारत के विकास का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वोट करें। खजुराहो में मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 की 29 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी वोट डाला। कवर्धा लोकसभा सीट से की वोटिंग। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने वोटिंग से पहले पूजा की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी है मुकाबला। जम्मू लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ 39 और 40 पर वोटर्स की लंबी कतार। बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदाता। सूरनकोट में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा, अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग में देरी पर चुनाव आयोग को लेटर लिखा। वोटिंग में देरी से सभी को नहीं मिलेगा समान मौका। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। 8 उम्मीदवारों के नामों का कांग्रेस ने ऐलान किया। कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने सिरसा से दिया टिकट। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुडा को चुनावी मैदान में उतारा। आप सांसद संजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी धोते थे आरएसएस के लोग, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज। संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी पर अटैक किया। कहा, एलजी के माध्यम से बीजेपी ने रुकवा दिया मेयर चुनाव, जबकि चुनाव आयोग ने दी है अनुमति। अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में कभी भी नहीं
टैप किए जाते हैं सांसद विधायकों के फोन, हमारे समय में नहीं की गई कोई साजिश। अशोक गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, उनके ओएसडी ने जो बयान दिया था उसके बाद गहलोत को ऐसे बयान देने का अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से पूछताछ एनआईए की टीम, शूटर विक्की गुप्ता और सागरपाल से पूछताछ में जुटी। उत्तराखंड के खटीमा में भीषण आग लगी, प्लास्टिक पाइप गोदाम में तेजी से फैली हवा के कारण आग ज्यादा भयानक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अमरोहा में एक होटल में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इजरायली हमले में गाजा में 34,200 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने आंकड़ा जारी किया। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग के लिए यरूशलम में प्रदर्शन तेज, एक प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर की कार पर बोला हमला। दक्षिण गाजा में इजरायली वायुसेना टैंक्स का जबरदस्त हमला, 2 बच्चों सहित 9 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफे में बमबारी की, 2 बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत। गाजा के दीर अलबाला में इजरायल ने की टैंक से शेलिंग, अलक्सा अस्पताल लाए गए 4 लोगों के शव। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, कई मकानों को जमींदोज किया। गाजा के राफे में जमीनी सैन्य कार्रवाई के लिए इजरायल तैयार, कम से कम 6 हफ्ते तक एक्शन का प्लान। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज का 62वां एनुअल फंक्शन, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा रहे मौजूद। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होगी टक्कर, कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम खेला जाएगा 7:30 बजे मैच। केकेआर ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते, पंजाब ने 8 में से 2 मैच अपने नाम किए। आईपीएल में आरसीबी ने 6 मैच की हार का सिलसिला तोड़ा, सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए विराट कोहली ने खेली अर्धशतकीय पारी, 43 गेंदों में 51 रन बनाए। 207 रनों का लक्ष्य चेस करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत खराब रही, झटके लगे, ट्रेविस हेड सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। आरसीबी के गेंदबाजों ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में बरपाया कहर, स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा, कैमरून ग्रीन ने 2-2 विकेट चटके। वुमेन टी20 में बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, इंडोनेशिया की ऑफ स्पिनर रहमलिया ने बिना कोई रन दिए 7 विकेट चटके। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में श्रीलंका आयरलैंड ने शानदार शुरुआत की, आयरलैंड ने यूएई और श्रीलंका ने थाईलैंड को हराया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की पूर्व कप्तान बिस्मा मारूफ ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पूरी पहुंची, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए।